नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तर 23 जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यू। वीडियो महत्वपूर्ण है तो अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के कुल आलू उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 44%, ऑप्शन डी 56%। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 38%। भारत के कुल आलू उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 38%। अगला क्वेश्चन। आगरा और इटावा जनपदों में निम्न में से कौन सा वन्य जीव विहार स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, ऑप्शन बी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन सी सुहेलवा वन्य जीव विहार, ऑप्शन डी किशनपुर वन्य जीव विहार। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। आगरा और इटावा जनपदों में राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से थारू जनजाति के जीवन यापन का मुख्य आधार नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए सोचिए 10 सेकंड, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यवसाय। व्यवसाय थारू जनजाति के जीवन यापन का मुख्य आधार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से थारू जनजाति की उपजाति नहीं है? ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राणा, ऑप्शन बी डगरिया, ऑप्शन सी पश्चिमहा, ऑप्शन डी मोहरिया। ठीक है, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहरिया। मोहरिया थारू जनजाति की उपजाति नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थारू जनजाति की कौन सी उपजाति खाना बदोश किस्म की है? ठीक है, ऑप्शन ए डंगरिया, ऑप्शन बी पश्चिमहा, ऑप्शन सी जोगिया, ऑप्शन डी राणा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी जोगिया। जोगिया थारू जनजाति की उपजाति खाना बदोश किस्म की नहीं है। खाना बदोश नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, तो जोगिया नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पौष्टिक समर्थन के कार्यक्रम दोपहर भोजन योजना की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 1999 में। ठीक है, चलिए सोचिए और बताइए, 10 सेकंड लीजिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1995 में। प्राथमिक शिक्षा में राष्ट्रीय पौष्टिक समर्थन के कार्यक्रम दोपहर भोजन योजना की औपचारिक शुरुआत 1995 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1968 में। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1957 में। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1982 में। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1975 में। ठीक है, ऑप्शन बी 1975 में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद की स्थापना 1975 में की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सेनेटरी मार्ट योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लीजिए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1998-99 से, ऑप्शन बी वर्ष 2001-2002 से, ऑप्शन सी वर्ष 2002-2003 से, ऑप्शन डी वर्ष 2003-2004 से। ओके, चलिए सोचिए सही उत्तर क्या है, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2001-2002 से। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार लोगों को रोजगार योजना रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सेनेटरी मार्ट योजना की शुरुआत 2001-2002 से की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए देवी, ऑप्शन बी नटवरी, ऑप्शन सी कलाबाजी, ऑप्शन डी चरकुला। ओके, चलिए सोचिए 10 सेकंड लीजिए और सही उत्तर बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए देवी। बुंदेलखंड में प्रचलित लोक नृत्य
देवी है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।